बाबा सूरजपाल को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। बाबा के एक अनुयायी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव चर्चा में बताया कि बाबा सूरजपाल को नहलाने से लेकर कपड़े पहनाने तक का काम महिलाएं करती थी। बाबा की अनुयायी रही महिला ने दावा किया कि बाबा के पास सुंदर महिलाओं को ले जाया जाता था। उनके मुंह से सुनेंगे कि आखिर बाबा क्या करता था वो जब गई थी। आप गए थे वो? हाँ। क्या क्या करता था बाबा? वो लेडीजों को हिमोटाइप करता था। लेडीज ही बुलाता था उसके? हाँ। किस तरीके से करता था हिमोटाइप? मतलब कि जो सुंदर लड़की होती है उसको वो अंदर रखता था और जो होती थी वो बाहर, जैसे कि मतलब खून निकलता था उनको बेचता था, घसीटता था, तो उसमें उनको खून निकलता था, अंदर घसीटता था। हाँ। क्यों घसीटता क्यों था? क्यों अच्छी नहीं थी, जो अच्छी नहीं होती उनको घसीटता था। हाँ। और जो अच्छी होती उनको अंदर ले जाता, अंदर ले जाता था। तो उसकी जो सेवादार होती थी वो महिलाएं होती थी? हाँ। तो ये काम महिलाएं करती थी? महिलाएं सब कुछ करती थी, नहाना दिलाना कपड़े धोना सब कुछ महिलाएं करती थी। अच्छा, बाबा को महिलाएं नहलाती थी? हाँ, सब महिलाएं नहला, सब महिलाएं। और कहते हैं कि बाबा कोई मोहिनी मुद्रा का इस्तेमाल करता था महिलाओं को रिझाने के लिए, ऐसा कुछ होता था? हाँ होता था। हुँ? वो कुछ प्रसाद में देते थे, प्रसाद में महिलाओं को देते थे प्रसाद। हाँ। उसमें भी छांटते थे कि नहीं महिलाओं को अंदर? नहीं, सबको देते थे। सबको देते थे? तो फिर उसमें से जो प्रसाद देते उसमें से फिर महिलाएं उस प्रसाद की वजह से जाती थी अंदर को लेकर? कुछ मिलाया होता था प्रसाद के अंदर? वो महिला ऐसे बोलती थी, बोला ये तो भगवान है, भगवान है जो अपने लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे बोलती थी। हाथरस सत्संग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पुलिस वाले प्रवचन सुनने में लीन दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस वाले बाकायदा हाथ जोड़े खड़े हैं। ये वायरल वीडियो हादसे से पहले का बताया जा रहा है। आप देखिए, जिन पुलिस वालों के ऊपर जिम्मेदारी थी वहां पर व्यवस्था को बनाए रखने की, लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने की, वो पुलिस वाले कैसे हाथ जोड़े बाबा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और हाथरस कांड पर बाबा के वकील एपी सिंह का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। एपी सिंह के माने तो हाथरस में भगदड़ के पीछे साजिश थी। भगदड़ मचाने वाले लोग अचानक आए थे, हाफ पैंट पहने 10 से 15 लोगों ने भगदड़ मचाई थी। भगदड़ मचाने वाले शराब के नशे में थे, ये तमाम बातें कही गई हैं बाबा के वकील एपी सिंह की तरफ से। हाफ पैंट पहने हुए थे लोग। अच्छा। 10-15 की संख्या थी, हाफ पैंट पहने हुए थे। मधुकर ने बताया? मधुकर ने बताया और सभी इंजर्ड ने बताया, जो इंजर्ड हैं अस्पतालों में, क्योंकि इंजर्ड हुए तो इंजर्ड वहां के आई विटनेस हैं। इंजर्ड महिलाओं ने बताई, कहा बेटा हमने कभी देखे नहीं थे वो लोग, ऐसे शराब पियो, ऐसे धक्का दे रहे, मार रहे, कुचल रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। कोई औरतों को हमारे देश में नारी यत्र देवत सर्वत्र पूज्यते, नारी की पूजा होती है। आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का अंदेशा जताया था कि भगदड़ के पीछे साजिश हो सकती है। सीएम ने क्या कहा था अंदेशा जताते हुए, वो भी सुनवाते हैं आपको। महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना,